अब इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं फोर्थ टाइप ऑफ डीएमएल कमांड, दैट इज सिलेक्ट। तो सिलेक्ट बहुत ज़्यादा क्वेरीज में यूज होती है, इसीलिए हम इसको सेपरेट वीडियो में देख रहे हैं। तो ऑल पॉसिबल टाइप्स की जो क्वेरीज आ सकती हैं सिलेक्ट कमांड पे, वो हम इसमें देखेंगे। तो दिस कमांड इज यूज टू एक्सेस द सबसेट ऑफ टपल्स और एट्रीब्यूट्स फ्रॉम वन और मोर रिलेशंस। सिलेक्ट कमांड का मेन यूज क्या होता है, डेटा को एक्सेस करना टेबल से, वन और मोर टेबल से। अब डेटा जो आप एक्सेस करोगे उसे रिकॉर्ड वाइज या रो वाइज भी कर सकते हो, या पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम देख रहे हैं सिलेक्ट कमांड को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, रिट्रीव द एट्रीब्यूट्स आईएसबीएन बुक टाइटल फ्रॉम बुक रिलेशन, ये हमें क्वेरी दी हुई है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्ट आईएसबीएन, हमें क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए, आईएसबीएन और बुक टाइटल किस में से, बुक रिलेशन में से। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट आईएसबीएन कॉमा बुक टाइटल फ्रॉम बुक। अब बुक में तो मैंने आपको बताया था, हमने एक बुक क्रिएट किया था, उसमें आईएसबीएन भी था, बुक टाइटल भी थी, उसकी प्राइस, ईयर, पब्लिकेशन, पब्लिशर आईडी, ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, पेज काउंट। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ आईएसबीएन और बुक एट्रीब्यूट जो है बुक का, वही सिर्फ शो हो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मुझे ISBN नंबर के साथ सिर्फ बुक टाइटल शो हो, बाकी एट्रीब्यूट नहीं शो हो, तो मैं इस टाइप से सिलेक्ट कमांड को यूज करूंगी। लेकिन हम चाहते हैं कि सारी की सारी एंट्रीज जो हैं, यानी कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आप चाहते हो कि दिखें, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स के साथ जो वैल्यूज हैं टेबल में वो सारी डिस्प्ले हो जाए, तो उस केस में आपको लिखना पड़ता है सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब है ऑल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो लिखा हुआ रिट्रीव ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन बुक, तो हम ऑल की जगह क्या लिखते हैं, स्टार। यहाँ पर हमें सिर्फ आईएसबीएन और बुक टाइटल दिखेंगे जो रिजल्ट आएगा इस क्वेरी का, लेकिन यहाँ पर हमें सारे एट्रीब्यूट्स जो कि टेबल बुक में होंगे उनके साथ साथ उनकी वैल्यूज शो हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑल एट्रीब्यूट्स देखना हो तो आप स्टार लगा लो, अगर आपको पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स लिखने हो तो कॉमा करके सिलेक्ट में लिख लो, तो वही एट्रीब्यूट सिर्फ डिस्प्ले होंगे। अब नेक्स्ट क्या है, डिस्प्ले ओनली द यूनिक वैल्यूज फॉर द एट्रीब्यूट कैटेगरी। अब कैटेगरी सपोज बुक की दो हैं, नॉवेल है या टेक्स्ट बॉक्स होंगे बुक्स, जो हमने बुक डेटाबेस में बुक टेबल बनाया है उसमें जो बुक्स की एंट्री की गई है, कुछ बुक्स जो हैं वो नॉवेल हैं, कुछ बुक्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक है, यानी बुक्स जो हैं वो दो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले ओनली द यूनिक वैल्यूज फॉर द एट्रीब्यूट कैटेगरी। तो कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ कैटेगरी लिखते सिलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम बुक, तो क्या होता कि रिपीटेशन में आपको टेक्स्ट, जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड टेक्स्ट बुक है, सेकंड रिकॉर्ड नॉवेल है, फिर फर्स्ट सेकंड फिर टेक्स्ट बुक है फिर नॉवेल है, तो आपको ये ऐसे शो हो जाते, ठीक है। कैटेगरी में सारी दो कैटेगरीज में भी रिपीटेशन शो होता, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ यूनिक हमें पता चल जाए, रिपीटेशन नहीं हो, हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि कौन कौन सी कैटेगरी के बुक्स की एंट्री की गई है इस डेटा, इस टेबल में। तो उस केस में आप लगा दो आगे डिस्टिंक्ट, तो सिर्फ आपको ये कैटेगरी वाला कॉलम दिखेगा और इसमें दो कैटेगरीज दिखेंगी, नॉवेल और टेक्स्ट बुक। अगर तीन होती, कोई दूसरी कैटेगरी भी होती, तो वो भी शो हो जाएगी। आपको यूनिक वैल्यूज किसी एट्रीब्यूट की प्रिंट करवानी है तो आगे लगा लो डिस्टिंक्ट। क्वेरी किस टाइप की, डिस्प्ले द इंक्रीमेंटेड प्राइस ऑफ बुक्स बाय 5% अलोंग विद द एट्रीब्यूट्स बुक टाइटल एंड प्राइस। तो आपको क्या डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले जब भी करवाना है तो सिलेक्ट, सिलेक्ट क्या क्या डिस्प्ले करवाना है, बुक टाइटल और प्राइस, ठीक है। और प्राइस को क्या करना है, 5% से इंक्रीमेंट करना है और नई वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइस के साथ प्लस प्राइस का 5% ऐड हो जाएगा, ठीक है, और वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। तो हमने क्या लिखा है, सिलेक्ट बुक टाइटल कॉमा प्राइस प्लस प्राइस इनटू 0.05, 0.05 मतलब 5% फ्रॉम बुक, और सेमीकॉलन लगाया। तो इस केस में आपको क्या दिखेगा, आपको आउटपुट में दिखेगा बुक टाइटल दिखेगा, एट्रीब्यूट प्राइस दिखेगा, और प्राइस प्लस प्राइस इनटू 0.05 दिखेगा। इसमें बुक टाइटल सपोज x है और प्राइस सपोज 100 थी, तो आफ्टर 5% के इंक्रीमेंट के बाद प्राइस क्या हो जाएगी, 105। तो इस टाइप से हम कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स पे, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उनकी जो रिजल्ट आएगी उसको भी स्क्रीन पे एज ए आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हैं। क्या है, डिस्प्ले बुक टाइटल,
प्राइस पब्लिकेशन आईडी ऑफ दोज बुक्स फ्रॉम बुक रिलेशन हुज बुक टाइटल इज सी। तो इस क्वेरी में क्या कह रहे हैं, आप बुक टाइटल को प्रिंट करवाओ, प्राइस को प्रिंट करवाओ और पब्लिकेशन आईडी को प्रिंट करवाओ बुक रिलेशन से। कौन से बुक की ये सब डिटेल्स हमें चाहिए, जिनका बुक टाइटल सी हो। सपोज हमारे टेबल में सी नाम के 10 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो वो 10 के 10 रिकॉर्ड्स में हमें क्या चाहिए, उसका बुक टाइटल लिखा हुआ है, उसकी प्राइस कितनी है, ठीक है, उनका पब्लिकेशन आईडी क्या है। सपोज मुझे ये चेक करना है कि भाई सी की कौन कौन सी बुक्स हैं और कौन कौन से पब्लिकेशंस की हैं और सबकी प्राइस क्या है, ठीक है, तो मैं अपने बजट के अकॉर्डिंग देखना चाहती हूँ कि कौन सा बुक मैं परचेस कर सकती हूँ। तो मैंने इसीलिए इस टाइप की क्वेरी यूज़ की कि सिलेक्ट बुक टाइटल प्राइस कॉमा पब्लिकेशन आईडी फ्रॉम बुक वेयर बुक टाइटल इक्वल्स टू सी। सी को सिंगल कोट में लिखा है क्योंकि बुक टाइटल कैरेक्टर टाइप का है। तो सिर्फ बुक टाइटल प्राइस और पब्लिकेशन आईडी शो हो जाएगी। और किन रिकॉर्ड्स की शो होगी, जिनका बुक टाइटल क्या होगा, सी। ऐसे तो बहुत टाइप की बुक्स हैं, सी प्लस प्लस की होंगी, जावा की होंगी, बट मुझे कौन सी वाली बुक की ये डिटेल्स देखनी है, सी वाले बुक की, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। हम वेयर क्लॉज का यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू प्लेस कंडीशंस ऑन द इंडिविजुअल टपल्स। तो जब भी आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड्स देखने होते हैं तो हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो ये सिलेक्ट के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि कंडीशन क्या लगाई कि जिनका बुक टाइटल सी हो, सिर्फ वही बुक की बुक उस सिर्फ उन्हीं बुक का बुक टाइटल प्राइस और पब्लिकेशन आईडी शो हो जाएगा।